वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड आज मैं आप लोगों के साथ एक राखी लुक शेयर करने वाली हूँ। येस फ्रेंड अभी राखी आ गई है तो मैं राखी लुक शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लूँगी। अच्छे से मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है चाहे समर हो या विंटर। तो यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का मेकअप स्टिक लेकर पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। ये 100% वाटर प्रूफ है तो इसे अप्लाई करने से आपको फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं पर मैं अप्लाई नहीं करूँगी, मैं बस यही अप्लाई करूँगी। अब मैं यहाँ कॉम्पैक्ट को लेकर अपने स्किन पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। अप्लाई करने के बाद मैं अपनी आईब्रो फिल करूँगी। तो मैंने कॉम्पैक्ट अच्छे से अप्लाई कर लिया है, अब मैं यहाँ पर अपने आईब्रो फिल कर लूँगी। आईब्रो फिल कर लेने के बाद मैं आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। तो मैं अच्छे से पहले आईब्रो को फिल कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे टेप लगा लूँगी। जी फ्रेंड्स आप सेलो टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इसे कट करके आप हाथ पर लगा लीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। तो यहाँ मैं टेप अप्लाई कर ले रही हूँ ताकि मेरी एक अच्छे से लाइन आ जाए आई शेडो की। टेप अप्लाई कर लेने के बाद मैं अपने आई शेडो का मेकअप स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे मैंने टेप अच्छे से लगा लिया है तो अब मैं अपने इस आई शेडो से ये वाइट वाला सेट जो है पाउडर, ये मैं अच्छे से पूरे आई पर अप्लाई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये राखी लुक है, राखी मेकअप लुक है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। समर में आप इसे अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का मेकअप स्टिक लिया है जो 100% वाटर प्रूफ है। तो यहाँ से मैं ये लाइटर सेट लेकर अपनी क्रीज पर क्रीज लाइन के ऊपर अच्छे से अप्लाई करूँगी और इसे अच्छे से मिला लूँगी। अब धीरे धीरे टाइम देकर अच्छे से स्मज कीजिए तो आपको अपना मनपसंद कलर मिल जाएगा। स्मज करना बहुत ज़रूरी है, आप अच्छे से इसे मिलाएंगे तब आपको एक अच्छे से लाइन मिल जाएगी। ये देखिए मैं दोनों आई पे अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे हल्की सी क्रीज करूँगी तो इसी मेकअप स्टिक की मदद से मैं हल्का सा एक क्रीज लाइन ये करूँगी, ड्रॉ करूँगी। मैं छोटे से ब्रश की मदद से इसे अच्छे से मिला लूँगी। अब मैं यहाँ से इस पैलेट से ये पिंक कलर का शेड लेकर अप्लाई कर लूँगी। अच्छे से इसे मिला लूँगी ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद मैं दोनों आईज पर अच्छे से मिला लूँगी। यहाँ पे मैंने पिंक सेट अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसमें से ये गोल्डन कलर लेकर फ्लैट ब्रश की मदद से अप्लाई कर लूँगी अपनी आईबॉल पर। इस पैलेट में जो ब्रश था उसे से अप्लाई कर रही थी पर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं अपने फिंगर टिप की मदद से अपने आईबॉल पर लगा ले रही हूँ। अब इसी पैलेट से मैं सिल्वर कलर लेकर अपने हाईलाइट कर लूँगी। अब मैं टेप निकाल दूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी सी लाइन आ गई है। दोनों आईज की टेप निकाल दूंगी और नीचे जो डस्ट गिरे रहते हैं उसे मैं अच्छे टिश्यू की मदद से क्लीन कर लूंगी। क्या मैं अच्छे से पूरे अच्छे तरीके से क्लीन कर ले रही हूँ। क्लीन कर लेने के बाद मैं यहाँ पर वही ब्लू हेवन का मेकअप स्टिक लेकर हाईलाइट कर लूँगी और इसे वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब
एक छोटी सी ब्रश की मदद से मैं यहाँ से जो ऊपर लगाया था लाइटर शेड, वही लेकर अपने नीचे की आई पर अप्लाई करूँगी। ब्रश की मदद से मैं इसे अच्छे तरीके से लगा लूँगी, दोनों आई पर अच्छे से लगा लूँगी। मैंने दोनों आई पर अच्छे से लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई करूँगी। मैं यहाँ थोड़ा ज़्यादा विंग लाइनर ड्रॉ करना चाहती हूँ, देखती हूँ कैसा लगता है। अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं इसे छोटा कर लूँगी। तो भी मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ, पर मुझे उतनी अच्छी लग नहीं रही है, लेकिन चलिए देखते हैं। फिर भी मैं नीचे काजल अप्लाई कर ले रही हूँ। काजल अच्छे से दोनों आईज पर लगा लेने के बाद देखती हूँ कि इस विंग लाइनर जो मैंने ड्रॉ किया है वो कैसा लगता है। तो यहाँ मैं दोनों आईज पर अपने अच्छी तरह से काजल अप्लाई कर लूँगी। अब काजल अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा। यहाँ मैंने काजल अप्लाई कर लिया, पर मुझे इसे छोटा करना है क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं इसे छोटा कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने छोटा कर लिया है, अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने कॉर्नर में थोड़ा सा स्मोकी लुक देने के लिए ये ब्लैक आई शेडो अप्लाई कर लूँगी। यहाँ पे मैं अच्छे से इसे ब्लैक आई शेडो अप्लाई कर लूँगी ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा से स्मोकी लुक मिले। अब मैं इसमें से यही पिंक शेड लेकर हल्के से ऊपर में ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं अपने आईबॉल पर वही गोल्डन सेट लेकर अप्लाई कर लूँगी। इसे दोनों आईबॉल पर अच्छे से गोल्डन सेट लगा। अब मैं इस शेड से ये हल्की सी ब्राउन कलर की जो सिमरी शेड है वो ऊपर की ओर क्रीज के हल्के से लाइन के ऊपर में लगा लूँगी। अब मैं आईलेसेस को अपने कर्ल कर लूँगी। आईलेसेस कर्ल कर लेने के बाद मैं यहाँ पर मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। मैं अपने दोनों आईज पर मस्कारा अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से दोनों आईज पर मस्कारा लगा लिया है, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे ब्लश अप्लाई कर ले रही हूँ। मैं अपने दोनों चीक्स पर अच्छे से ब्लश अप्लाई कर लूँगी, पिंक कलर का ब्लश। अब मैं अपनी लिप लाइनर लेकर अपने लिप को ड्रॉ कर लूँगी। लिप लाइनर लगाने के बाद मैं इसे हल्के से हाथ से स्मच कर लूँगी, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे पिंक कलर की लिपस्टिक लगा लूँगी। पिंक कलर की लिपस्टिक लगा लेने के बाद ये थोड़ा ग्लोसी है, तो मैं इसे क्या करती हूँ आप देखिए। यहाँ पे पिंक कलर की लिपस्टिक अच्छे से अप्लाई कर लेने के बाद ये देखिए ग्लोसी है। मैं इसे मेट फिनिश देने के लिए इसमें जो पिंक कलर का आई शेड पैलेट में से पिंक कलर लेकर अच्छे तरीके से अपने लिप पर अप्लाई कर लूँगी। इससे क्या होगी कि हमारी लिपस्टिक जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और देर तक टिकी रहेगी और मैट फिनिश देगी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब आती है बारी हमारी हाइलाइटर की। अब मैं अपने नोज को हाईलाइट कर लूँगी। मैं यहाँ कंटूर भी करूँगी, तो मैं अपने नोज को थोड़ा शार्प दिखाने के लिए कंटूर कर ले रही हूँ। अब मैं अपने चीक्स पर अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी। दोनों चीक्स पर अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी, ये देखिए। अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई कर लेती हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड, मेरा मेकअप हो गया है पूरा, ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड, दिस इज ए फाइनल लुक। देखिए कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, यही था आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये मेकअप लुक। अगर अच्छा लगा होगा
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नीचे दिए गए बेल को भी बजा दे ताकि मेरे वीडियो के आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहे।